बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान पुलिस विभाग व जिला प्रशासन द्वारा बाइक रैली निकालकर हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई। तिरंगा बाइक रैली को बाड़मेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने महावीर टाउन हॉल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आमजन से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। हर घर जो तिरंगा ले रहा है, इसके उपलक्ष्य में लोगों में जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हमें बाइक रैली आज शुरू की है। यहाँ से अहिंसा सर्किल होते हुए ये पुलिया को पार करके सिंधी सर्किल तक जाएगी। वहाँ से टोटल सर्किल मेन रोड से होते हुए वापस आ लोगों में ये जागरूकता ये संदेश होना चाहिए कि 13 से 15 अगस्त तक भारत के प्रत्येक नागरिक के तौर पर तिरंगा ले रहा है। इसके अलावा पर डे हमारा कोई कोई कार्यक्रम है, जैसे कल शपथ ग्रहण था, उससे पहले भी हमारी तिरंगा रैली थी या स्कूलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं की प्रतियोगिता है। प्रत्येक दिन 13 अगस्त तक हमारी कोई कोई प्रतियोगिता, 12 तारीख को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सामूहिक रूप से इसमें आदर्श स्टेडियम में और सभी उत्तर मुख्यालयों पर एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा। सभी स्कूलों में सामूहिक रूप से राष्ट्रभक्ति गीतों का गायन रहेगा। 16 में वो एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा जिसमें 5 से 10 हज़ार के बच्चे एक जगह ये रैली टाउन हॉल से रवाना होकर अहिंसा चौराहा, किसान छात्रावास, नेहरू नगर, राजकीय महाविद्यालय से होती हुई सिंधरी चौराहे से वापस टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में बाड़मेर पुलिस वृत्ताधिकारी अनंत सिंह राजपुरोहित, यातायात DYSP दीपक कुमार बाड़मेर, तहसीलदार प्रेम सिंह, बाड़मेर पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेश कविया, कोतवाल उगमराज सोनी, पुलिस संचित निरीक्षक लील सिंह भाटी सहित विभिन्न अधिकारी व पुलिस के जवान उपस्थित रहे।